ये रास्ता छोड़ देंगे अभी भाई, रुकिएगा रुकिएगा, यहाँ से चलते भी जाएगी। यहाँ से पीछे हो जाने दोस्त, बेटा पीछे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कराची गुलाबी एक्सप्रेस इसमें जुनेद भाई का माल जो है वो तैयार है, अभी आपको सारा जो इनकी अनलोडिंग है आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये गुलाबी गोट शो 2021 लियारी ककरी ग्राउंड में जो हो रहा है, ये अमर जुनेद भाई का माल है जो अभी अनलोड हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन का गुलाबी गोट शो जो कि लियारी ककड़ी ग्राउंड में मुनक्किद किया गया है। ये अमर जुनेद भाई का माल है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी फुल वीडियो के लिए आप लोग नारेजो गोट फार्म चैनल पे जुड़े रहें, थोड़ी देर में इसकी फुल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी नारेजो गोट फार्म पे। क्या करते हैं इनके चुके जी समान ये लियारी ककरी ग्राउंड में हो रहा है। माल के थोड़ा औरते करो। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल करीम बलोच भाई, ये मंडी नहीं है, ये गुलाबी गोट शो है। ये थोड़ी देर में आपको नारेजो गोट फार्म पे इसकी फुल वीडियो फुल व्लॉग जो है इसका गुलाबी गोट शो 2021 का, ये आपको थोड़ी देर में नारेजो गोट फार्म के चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जेके भी दोस्त आयन उनके गुजारिश ही आया तो इन रस्से के बाहर उठी करे शौक के दिसन ताना बेहतर थी दो कुछ माल नो आयो इन कुछ सुकून छोड़ जाओ या मेहरबानी करो प्लीज मेहरबानी करो थोड़ा थोड़ा आप लोग बाहर। मान सोनीजा जी, ये ककड़ी ग्राउंड में नुमाइश हो रही है लियारी ककड़ी ग्राउंड में,
तो ये अभी अमर जुनेद भाई का माल आया, अभी जैसे जैसे माल आता जाएगा हम आपको दिखाते जाएंगे और थोड़ी देर में नारे जो गोट फार्म चैनल पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। जो है ये मेल है अमर जुनेद भाई, शेयर आप लोग लाइव वीडियो शेयर करते रहे, उम्मीद करते हैं आपको लाइव वीडियो पसंद आई होगी। ये अमर जुनेद भाई का मेल है, ये आप लोग देख सकते हैं। लाइव वीडियो शेयर करते जाएं ताकि और लोग भी हमारी देखते रहें और नुमाइश। वालेकुम अस्सलाम नजम बाबा, वालेकुम अस्सलाम नजम भाई, तो वो दिखा सही नजम भाई आप आए नहीं, गोल्डन बकरी बड़ी मिट्टी बकरी हुई ये गुलाबी के नाम पर मंगल भुक्ति। सद्दाम शाहानी वालेकुम अस्सलाम, जी भाई मोहम्मद अली भाई भी हैं, अभी दिखाते हैं आपको मोहम्मद अली भाई, ये रहे ये सामने राहिल भाई खड़े हैं नागरा फार्म वाले। राहिल भाई लाइव वीडियो शेयर करते जाएं ताकि और लोग भी ये गुलाबी का गोट शो 2021 देख सकें। वालेकुम सलाम, वाह एकड़ो मिनट में गले है तो राजा ना एकड़ो मिनट में गले है मेरे साथ रस्से से परते कराया दोस्तों, प्लीज प्लीज हमारी बात मानो, रस्से के बाहर जाओ नहीं प्लीज, थोड़ा सा माल को आसानी करने दो ताकि माल सफर में आया है, थोड़ा सा चले घूमे फिरे सही, मेहरबानी करो प्लीज। इमरान ताज भाई का भी माल आया नहीं है, जैसी आएगा तो आपको दिखाएंगे। थोड़ा कंगी लगवाओ माल, ये अमर जुनेद भाई राहिल भाई इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी हम आपको भी इनसे पूछते हैं कि इनका माल आया है और कैसा है। कंपटीशन अभी हो शुरू हुआ है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा थोड़ी देर में, आप लोग यूट्यूब चैनल नारे जो गोट फार्म पे देख लीजिएगा, पूरी वीडियो उस पर अपलोड कर देंगे। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल चाल है? ये आपका माल आया है जी? जी बिल्कुल जी। तो अब क्या आप समझते हैं कि गोट शो में, थोड़ा सा मुख्तसर बताएं कि असल में होता क्या है गोट शो में? लोगों को पता नहीं है गोट शो में होता क्या है। देखें, हम नस्ल और वसफ दो चीज़ें जमा करते हैं अपने जी, नस्ल भी हो और क्वालिटी भी हो। जी जी। अब सबका माल अच्छा है, नस्ल में भी है और वसफ में भी है, और जिसका भी माल हम कहते हैं ज़्यादा अच्छा हो वो किंग ऑफ कराची। तो अहमद भाई, इसमें लड़ाई किस तरह होती है? सर, इसमें अमीन जो है वो भी आप देखेंगे थोड़ी देर में, अमीन जो डिसाइड करते हैं माल का चुनाव करेंगे जी, और जिसका माल ज़्यादा अच्छा होगा उसका माल चुनाव करेंगे। ठीक है अहमद भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये लियारी ककरी ग्राउंड में हो रहा है, और कादिर भाई को मैं दिखा देता हूँ, कादिर भाई भी हैं। कादिर भाई ठीक ठाक हैं? लोग पूछ रहे हैं आपका, कादिर भाई नजर नहीं आ रहे। ठीक है ठीक, ये कादिर भाई है आपके सामने, ये लियारी ककरी ग्राउंड में हो रहा है। इमरान ताज भाई का माल भी आ गया है, हम आपको दिखाते हैं। लाइव वीडियो शेयर करते जाएं ताकि और लोग भी देखते जाएं। कराची का है, सिर्फ कराची का गोट शो है। We'll be right back.
मुश्ताक भाई का माल है, मुश्ताक भाई का। भाई लियारी में हो रहा है, ककरी ग्राउंड में, लियारी ककरी ग्राउंड। भाई आप नुमाइश के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नुमाइश हमारी अपनी है, अपना माल है मुश्ताक भाई का जी। तो इसमें लड़ाई किस तरह होती है? लड़ाई इसमें ये होती है कि इसमें पॉइंट्स देखे जाते हैं, इनकी स्किन देखी जाती है, इनके बाल देखे जाते हैं, इनकी पोजीशन और इनकी नोज रिपोर्ट जो होते हैं, इनको बोल होना चाहिए, इनकी झालर होनी चाहिए। तो अभी लड़ाई में कितना टाइम है? एक घंटे में फैसला हो जाएगा, मतलब ये कराची का किंग का फैसला हो जाएगा एक घंटे में। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बताता हूँ कि मुश्ताक भाई किंग है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन जीत सकता है? क्या इरादा है? कौन मुश्ताक भाई जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मुश्ताक भाई का माल है, ये मुश्ताक भाई है। लोग बोल रहे हैं मुश्ताक भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, मुश्ताक भाई का नाम ले रहे हैं किंग ऑफ कराची में। ये गुलाम हैदर सिंधी भाई हैं, इनका भी बहुत नाम है गुलाबी में। आपको बताते हैं
सेम के लिए के गुलाबी बनती होती है और माशाल्लाह से सात लाइक के बाद मौजूद है और एक पूरी पूरी टीम है गुलाब अली की लाइक के ऊपर से आगे भाई आप माशाल्लाह से बाल कितने संभाले मुस्ताक भाई का अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी आवाज नहीं आएगी, तो फुल फुल व्लॉग कब अपलोड हो रहा है? फुल वीडियो कब अपलोड हो रही है आपके चैनल पे? सब दोस्तों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ग्रुप में शेयर करें ताकि जो कराची की आवाम घर में बैठी हुई है वो भी ये नुमाइश इंजॉय कर सके। कराची लियारी के अंदर ये नुमाइश हो रही है। ऐसे मुंडे का चैलेंज है ना पूरे पाकिस्तान में। कामू वीडियो बना। सर ये मेला है लियारी ककरी ग्राउंड में। नीचे जाओ वो वाली वीआईपी वाली खाली कर दिया हमें। ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप गुलाबी गोट के बारे में? गुलाबी गोट शो किस तरह हो रहा है और ये कराची का किंग कौन होगा? कराची का किंग तो जिसका माल अच्छा होगा इंशाल्लाह वही होगा। तो माल तीनों का अच्छा है, अभी अमीन फैसला करेंगे। तो अभी लड़ाई कब होगी, कितनी देर में होगी? एक घंटा लगेगा बस। एक घंटा लगेगा, चुंड पे जाएगा। चलें चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वजीर मुक्ति भाई है। भाई मजा आ रहा है आपको मेले में? साईं बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। वो क्या दासुरात में कौन जीत सकता है? साईं ये तो अभी पहले कहना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरे को तो मुश्ताक भाई का माल पसंद है। चलें चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी। अभी कानों में कितना है, लेट में कितना है, कितना बताएगा क्या अंदाजा लग रहा है आपको? मतलब अभी थोड़े दिखाएं जरा, कान दिखाएं। तीन लोग हैं, तीन लोग। थोड़ी देर में जो है मेरे घर अभी चेहरा देखिए, बस थोड़े झालर दिखाएं जरा उसको। मंगल खान के बकरा है, किंग है, किंग खान है, किंग है मंगल खान का, किंग है। मंगल खान की कमी पूरी कर दी माशाल्लाह। चले जी भाई और जुम्मा भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुश्ताक भाई का माल देख रहे हैं। हाँ बोलते जाओ शेयर का और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर। उसका भी जवाब नहीं है, अभी दो ब्रीडर उतरे हैं उस्ताद भाई के और बाकी शौकीन जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। भाई
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम हैदर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मजा आ रहा है आपको गोड शो में? जी हाँ। तो आपके उससे कराची किंग कौन होगा? कराची किंग इस वक्त जो है मुझे शौकीनों ने किंग ऑफ सिंध बनाया था जी। और इस वक्त तीन बल्लर माल के जो है तीन अलग अलग शौकीन है वो उतार रहे। एक है मुश्ताक भाई, एक चौधरी इमरान ताज और एक अहमद जुनेद भाई। तो इस वक्त मैं किंग ऑफ सिंध हूँ। इस हिसाब से मेरे माल से इन शौकीनों ने मेरे से खरीद के माल भी लिया है और समझो शौक के हिसाब से एक पट मेरी चौधरी इमरान के पास भी गई है, एक पट मेरी उसके अहमद जुनेद पास के पास भी गई है और ज़्यादातर बकरियां मेरी मुश्ताक भाई के पास आई है। और मुश्ताक भाई की बकरियां जो है पहले वन नंबर पे थी कराची में, सब दोस्तों को पता है, शौकीनों को पता है। इस वक्त जो मेरे पास किंग ऑफ सिंध के लिए माल मैंने जमा किया था वो तमाम माल इधर मौजूद है और मुश्ताक भाई का माल आप देख रहे हो सब दोस्त शौकीन। तो आपके हिसाब से फिर कौन जीत रहा है? बस उसका फैसला अमीन करेंगे। अमीन करेंगे। फैसला कितनी देर में होगा? फैसला बस अभी जैसे माल जमा हो जाएगा तो फिर फैसला। चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी। लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक शेयर और नारे जो गोट फार्म को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि और लोग भी ये गुलाबी गोट शो देख सकें। इधर ले आओ। वजीर के नाम हो आपको? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई, ठीक ठाक हैं? तो आप बताएं अपने तासुरात ये गुलाबी गोट शो के बारे में, कौन जीत रहा है, लड़ाई कैसी होगी, रिजल्ट कब आएगा और इस मेल के बारे में बताएं। हमारा जो एक्सपीरियंस है 15 साल का गुलाबी गोट का, तो उस हिसाब से तो माशाल्लाह मुश्ताक भाई विन है। मुश्ताक भाई इंशाल्लाह विन है, ये मुश्ताक भाई का ब्रीडर है। तो इसके कान कितनी है लेंथ? इसके माशाल्लाह 27 इंच कान है। 27 इंच माशाल्लाह जी टेप। इसकी आप झालर देखें माशाल्लाह, ऐसी किसी बकरे में नजर तो नहीं आएगी। ये दूध की पलाई नहीं है, इसकी पलाई होती है ना दूध वाली, जी जी, झालर इससे डबल होती है। ये माशाल्लाह। तो ये अब्दुल रहमान भाई मेरे समझ नहीं आ रहा ये वोट मुश्ताक भाई के पास क्यों जा रहे हैं दादा? मुश्ताक भाई का माल खुद बोल रहा है अपने मुंह से मतलब अभी कुछ देर में डिसाइड होने वाला है कि कराची किंग कौन है। आधे घंटे में फाइनल हो जाएगा, आधे घंटे सामने आ जाएगा। ठीक है, मेहरबानी।
मुश्ताक भाई की बकरियाँ भी देखें और बकरा भी देखें माशाल्लाह। लियारी ककरी ग्राउंड में हो रहा है, लियारी ककरी ग्राउंड। अभी अहमद जुनैद भाई का माल आया था वो हमने दिखाया है, अभी मुश्ताक भाई का माल आया है वो आपके सामने है, और अभी इमरान ताज का जब माल आएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो अभी आया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। और नासिर भाई ठीक ठाक हैं? क्या तासुरात हैं आपकी गुलाबी गोट शो के बारे में? तो आपके जो हवाले से कौन जीतेगा, क्या होगा, कुछ जरा बताएं आवाम को। जिसका माल अच्छा होगा वो जीतेगा। जिसका माल अच्छा हो आपके, उससे किसको वोट जाता है? तो मुश्ताक भाई की तरफ है। मुश्ताक भाई की तरफ है, मतलब किंग ऑफ कराची आपकी तरफ से मुश्ताक भाई बन रहे हैं। इससे पहले भी कहते हैं मुश्ताक भाई कराची का किंग है, आज भी कहते हैं मुश्ताक भाई कराची का। तो ये लड़ाई कब कब शुरू होगी, कि इसका रिजल्ट कब आएगा? इंशाल्लाह 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाएगा। चले बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद अली भाई आवाम पूछ रही है अमीनों के नाम जरा बता दें आप। सर अमीनों के जो नाम है, एक मोहम्मद अली, एक रहमतुल्ला अरुण भाई जो के कराची के सदर भी हैं हमारे, और एक अमीन है हसन शाह साहब, और एक अमीन है प्यारल कलोड़ो जो कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर तालका सोबो देरो से हैं। बाकी 3 अमीन जो हैं वो कराची के हैं। इन 3 अमीनों के ऊपर 3 निगरान हैं, अगर किसी वजह से इनमें बेइत्तेफाकी होती है तो हाजी याकूब कायम खानी साहब, सनाउल्ला डंगराज साहब और ग़ुलाम शबीर कलोड़ा साहब, ये 3 बंदे जो हैं इनके ऊपर हैं, तो ये इनसे मशावरत कर सकते हैं। तो अभी ये कब शुरू होगी फिर इनकी लड़ाई? असल में 2 लोगों का माल आ चुका है, 3रे का माल आएगा, फिर ये जाएगा दूसरे टेंट में जहाँ पे अमीन होंगे सिर्फ वो माल की। चलें बहुत मेहरबानी। हसन भाई शोर थोड़ा कम हो गया है, तो अब आप जरा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें आवाम को कि आज क्या होगा, क्या किस तरह होगा सब। ये कंपटीशन है कराची ककरी ग्राउंड के अंदर, और यहाँ 3 कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि गुलाबी के शौकीन हैं, और ये मुकाबला है कराची किंग का। कराची किंग में जो गुलाबी गोट्स के जो चैंपियन होगा उसको ये आज ताज पहनाया जाएगा। यहाँ पर जजेस फैसला देंगे, तकरीबन
5 से 6 बजे के दौरान ये फैसला होगा और पता लगेगा कराची किंग सीजन 2021 का किंग कौन है। यहाँ पर तीन गुलाबी गोट्स के हर्ड आए हैं, जिसमें एक हर्ड है मुश्ताक भाई का और एक हर्ड है चौधरी नाथ का और एक हर्ड है अहमद जुनेद भाई का। अब तीनों हर्ड आ चुके हैं, दो हर्ड आ चुके हैं, एक हर्ड आने वाला है चौधरी इमरान भाई का, उसका वेट हो रहा है। वो जब आ जाएगा तो दो डेढ़ से दो घंटे के बाद इसका डिसीजन दिया जाएगा। अमीन जजेस इसको देखेंगे और सारी चून निकालेंगे, चून यानी सेलेक्ट करेंगे, कुछ गोट्स निकलेंगी सिलेक्शन में। तो जैसे सिलेक्शन होगी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सिलेक्शन में जिसकी गोट्स ज़्यादा निकलेंगी वो फर्स्ट होगा, जो उसकी कम निकलेंगी वो सेकंड और थर्ड, इस तरह ही पोजीशन दी जाएगी। असल में सिलेक्शन किस बेस पे होती है? देखिए सिलेक्शन का बेस ये होता है कि नोज़ देखते हैं, रोमन नोज़ होना चाहिए, लॉन्ग ईयर्स होने चाहिए और उसमें पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। जनरली जो गुलाबी में पॉइंट्स देखे जाते हैं, जैसे नोज़ हो गया, ईयर्स हो गए, ईयर्स की पट्टी हो गई और सींग जो हो गए वो देखा जाता है और कलर भी देखा जाता है, वाइट गुलाबी कलर होना चाहिए। अगर उस पर एक दो स्पॉट है तो वो एलिजिबल है इस चीज़ में। ये नहीं है कि किसी स्पॉट वाली एलिजिबल नहीं है। पहले काफ़ी शोज़ में ये था कि स्पॉट होता था तो वो एलिजिबल नहीं थी, लेकिन अब जो कि अच्छी गोट्स में भी हल्के हल्के से स्पॉट होते हैं या कुछ पासा होता है ब्राउन डॉट, तो उसको भी अब ये कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से जो स्पॉट है या कोई हल्के सा ब्राउन स्पॉट है किसी गोट में तो उसको भी एलिजिबल करार देंगे इस कंपटीशन के अंदर। और जो अच्छी गोट्स होंगी वो बाहर आती जाएंगी, जिसकी ज़्यादा आएंगी बाहर तो वो इस शो का विनर होगा। तो असल में ही फिर इसकी फुल वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगी? बस इसकी फुल वीडियो इंशाल्लाह 6 से 7 बजे के टाइम आप लोग नारेजो गुड फार्म यूट्यूब चैनल पे रहिएगा। पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री लॉग विथ जो जजमेंट का, जो जजेस का डिसीजन होगा या लोगों की राय होगी, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो लोग फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि कराची में और कराची से बाहर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो यहाँ नहीं पहुँच सकते ककरी ग्राउंड में 4 से 5 बजे के टाइम तक ये शो होगा, अगर 4 से 5 बजे तक नहीं पहुँच सकते, लेट हो जाते हैं, मसरूफियात हैं या लेट देखते हैं, तो वो लाइव देख सकते हैं पूरी वीडियो। हम लोग पूरा शो कवर करेंगे इसका, गुलाबी गोट्स का, कराची किंग का, तो आप लोग को सारे हर्ड भी दिखेंगे और जो ओनर के रिव्यूज़ हैं वो भी लेंगे और जो व्यूअर्स आए हैं या जो देखने वाली ऑडियंस आए हैं उनसे भी हम आपको। असल में यहाँ के इंतज़ाम के बारे में आप क्या राय है आपकी? ये इंतज़ाम बिल्कुल प्राइवेटली किया गया है, इसमें कोई गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं है, तो ये प्राइवेट इंतज़ाम किया हुआ है। और ये जो गुलाबी गोट्स के जो शौकीन हैं उन्होंने सब अपनी पर्सनली एक्सपेंसेस पे या पर्सनल एक्सपेंडिचर पे ये शो मुनक्किद कराया है। पूरा शो ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज हुआ गया है और ये हमारे कराची के ही दोस्त हैं जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज कराया। बहुत शुक्रिया सुन भाई। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो मुश्ताक भाई क्या तासुरात हैं आपके ये गुलाबी गोट्सों के हवाले से? भाई अभी तो तासुरात कुछ भी नहीं है, आवाम को दुआओं की दरख्वास्त कर रहा हूँ। माशाल्लाह माल तो आपका बहुत अच्छा है और ये वोट भी सबसे ज्यादा आपको ही मिलना है, इसकी वजह क्या है? दुआओं की याद कर रहा हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ आवाम दुआ करे, आज के दिन के लिए दुआ करे। नहीं, हमारी दुआ आपके साथ है। हमारे समझ नहीं आ रहा, आवाम जो ज्यादा वोट जा रहे हैं वो मुश्ताक भाई कराची किंग मुश्ताक भाई है। भाई का माशाल्लाह माल देख लो, मुश्ताक भाई की शक्ल को थोड़ी कोई पसंद करेगा, माल को पसंद करेगा। मुश्ताक भाई खुद भी नाइस इंसान है। माल देखो माशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नहीं, माल आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, तो इसमें फिर रिजल्ट कब तक आ जाएगा? मेरा 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे में मतलब रिजल्ट आ जाएगा? चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत आपका नाम? सलमान। सलाम अलैकुम सलमान भाई। सलाम। तो आपको मजा आ रहा है गुलाबी गोट शो में? जी बिल्कुल मजा आ रहा है। तो आपने किसके अभी माल देखा आपने मुश्ताक भाई का, आपको अच्छा लगा? जी अच्छा है। तो आपके हवाले से फिर किसकी जीत होगी? मुश्ताक भाई की होगी। मुश्ताक भाई की जीत, मतलब ज्यादा वोट मुश्ताक भाई को जा रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया।
कराची का माल। अगला लोकेशन है लियारी ककरी ग्राउंड सात। ये मैं अभी आप लोगों को पूरा इंतजाम दिखाता हूँ, जिस तरह से टेंट लगे हुए हैं और ये ग्राउंड है और पूरा इंतजाम जो प्राइवेटली किया गया है। ये लियारी का ककरी ग्राउंड है और इसमें इस तरह से हट लगाए गए हैं, एक ये हट है, एक ये हट है, एक ये हट है, एक वो हट है, तो तीन हट में माल आएगा, जिसमें अभी दो में माल आया है और इमरान ताज भाई का भी माल नहीं आया, उनका माल आएगा तो फिर तीन जो हैं इकट्ठे होके एक टेंट में जाएंगे। जहाँ थोड़ी सी असल में लोकेशन बता, लोकेशन थोड़ी सी क्लियर करता चाहूँ, अगर आप लोग कराची से देख रहे हैं या किसी और शहर से देख रहे हैं, अगर आप लोग पहुँच सकते हैं तो ये लियारी कराची के अंदर आता है, लियारी ककरी ग्राउंड के नाम से बहुत मशहूर एक फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ पर, और यहाँ काफ़ी मैचेस वगैरह लोकली लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट के भी मैचेस होते हैं, तो ककरी ग्राउंड नाम है इस ग्राउंड का और लियारी के अंदर मौजूद है। टाइम 5 से 6 बजे तक का है, अगर आप लोग 5 से 6 बजे तक पहुँच सकते हैं डिसीजन हो जाएगा। वैसे ये जो शो था 11 बजे से स्टार्ट था शाम के 6 बजे तक, अगर आप लोग 5 से 6 बजे तक पहुँच सकते हैं तो आएँ, आप लोग लाइव ये गोट्स लाइव गुलाबी गोट्स भी देख सकते हैं, इनके ओनर से भी मिल सकते हैं और ये आपके सामने आप इनको देख के चला फिरा भी सकते हैं। तो असल में ये टैंक का ज़रा बताएं कौन सा टैंक किसका है और जजमेंट किस में। एंट्रेंस से लियारी ककरी ग्राउंड के अंदर एंटर होंगे, फर्स्ट लेफ्ट पे ही आपको जो चौधरी इमरान ताज हैं, जो गुलाबी गोट्स के शौकीन हैं, जो एक्स कराची किंग हैं सीजन 2020 के, जो कराची किंग थे या एक्स चैम्पियन जो थे कराची के, चौधरी इमरान ताज, वो उनका आपको टेंट मिलेगा लेफ्ट साइड पे। उसी के थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड आगे आएंगे तो हमें अहमद जुनेद भाई जो हैं, लास्ट टाइम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छे शौकीन हैं अहमद जुनेद भाई, उनका टेंट मिलेगा। उसके ही थोड़ा सा आप आगे आएंगे लेफ्ट साइड पे जो टेंट है वो कमेटी का टेंट है, वहाँ कमेटी जो डिसीजन देगी, जो फाइनलाइज होंगे, जो जजेस आएंगे वो यहाँ बैठेंगे, उसके बाद जो फाइनल हतमी फैसला होगा या जो रिजल्ट जैसे निकलेगा तो वो वहाँ अनाउंस होगा, फिर उसके बाद जो विनर होंगे उनको कराची किंग का टर्बन या जिसे पगड़ी पहनाते हैं वो पहनाया जाएगा। अब अहमद जुनेद भाई का माल यहाँ पहुँच चुका है, मुश्ताक भाई का माल पहुँच चुका है और इसके बाद अभी माल रहता है चौधरी इमरान ताज भाई का, तो उसी देर में आएगा, तो आप लाइव चुने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम जो दोस्त वीडियो लाइव नहीं देख सकें तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में हम लोग यूट्यूब पर पूरी इसकी इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करेंगे तो आप लोग वो भी देख सकें। अब उसामा भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अहमद भाई का माल एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को दिखा दें, कमेंट करते हैं क्या क्या सर। ये नुमाइश है जिसमें लड़ाई होगी और फिर रिजल्ट अनाउंस होगा, ये 5 से 6 बजे तक की इसकी टाइमिंग है, शाम 5 से 6। ये अहमद जुनेद भाई का माल है, हसन भाई आवाम का थोड़ा जोर है कि आप इंटरव्यू लें गुलाम हैदर भाई जिंदी से। मेरे साथ जो मौजूद है गुलाम हैदर जिंदी और वजीर खान गुप्ती जो कि गुलाबी गोश के साइंटिस्ट हैं और जो किंग ऑफ सिंध है गुलाम हैदर जिंदी, दोनों मेरे साथ मौजूद है, तो गुलाम हैदर जिंदी भाई से पहले पूछेंगे इस नुमाइश के हवाले से और फिर उसके बाद हम अपने जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी पूछेंगे। अच्छा गुलाम हैदर भाई, क्या सूरत हाल है, कैसे देख रहे हैं नुमाइश को और क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ तक फैसला होगा, किस टाइम तक डिसीजन आ जाएगा और कौन विनर हो सकता है इस सीजन 2021 का? असल में नरेंद्र साहब, ये जो कराची में नुमाइश लगी है
ये जितनी भी नमाइशें पहले हुई है उससे ये बढ़ के नमाइश हो रही है, और इस वक्त मुझे उस्ताद वजीर खान की सरपरस्ती में और हमारा जो सिंध अल मुस्तफ़ा वाजिया एसोसिएशन है उसकी सरपरस्ती में अतिल्ला शाह को मुझे किंग ऑफ सिंध बनाया गया था माल की वजह से। तो वो माल मेरा अभी ज़्यादातर मुश्ताक भाई की बाड़ी में आया हुआ है, और इस वक्त जो अमीन जो फैसला करेंगे वो कुछ देर में फैसला आ जाएगा, बाकी टाइम तो लग सकता है क्योंकि एक वलर अभी उतरा नहीं है, दो वलर आ गए, तीन वलरों की आपस में नमाइश है, अमीन भी तय हो गए। तो ये जो है बड़े जोर शोर से नमाइश रही है, बाकी आपको उस्ताद वजीर बताएगा। उस्ताद वजीर खान से हम पूछते हैं कि इस नुमाइश में कैसे सलेक्शन होती है, क्योंकि पुराने हैं गुलाबी गोट के और चैम्पियन और काफ़ी लोगों को उन्होंने शौक कराया, तो इससे पूछते हैं कि तरीका कैसे होता है सिलेक्शन का, कैसे सेलेक्ट करेंगे, अमीन कैसे चुने जाते हैं, वो थोड़ा समझे। तो वजीर खान हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कितनी बकरियां बाहर आएंगी तो वो विनर होगा, और कौन कौन अमीन है, थोड़ी सी इसकी डिटेल्स। 10 बकरियां होंगी, उनके साथ एक बकरा होगा, 11 दाने होंगे एक एक पार्टी के, अमीन हम लोगों ने तय किए 7, जिसमें रहमत भाई कराची वाले, मोहम्मद अली भाई माडल कॉलोनी वाले, और हसन शाह साहब, और रहमत भाई, और हाजी याकूब साहब, गुलाम शबीर कलोड़ा साहब, प्यार कलोड़ा साहब कच्चे से। अच्छा वजीर खान ये बताइए कि इस नुमाइश में क्या समझ रहे हैं, मुश्ताक भाई विन करेंगे, चौधरी इमरान ताज भाई करेंगे, या अहमद जुनेद भाई विन करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमने किंग ऑफ सिंध का पटका बांधा था गुलाम हैदर भाई को, वही बकरियाँ यहाँ आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में तो जीतेंगी बकरियाँ, यही जीतेंगे, हाँ मुश्ताक भाई जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा ये बताइए कि ये जो शो ऑर्गेनाइज कराया गया है ये गवर्नमेंट से एफिलेटेड है या आप लोग ने प्राइवेटली कराया? प्राइवेट कराया, ये शौकीनों ने मिलके ये काम किया, शौकीनों ने मिलके कराया, गवर्नमेंट भी काम कर रही है बिल्कुल, जो इस वक्त गवर्नमेंट भी नुमाइशें करवा रही है, और इस वक्त हमारे साथ जो हमारे हैदराबाद के डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर साईं एहतशाम साहब राणा, वो हमारे साथ हैं और वो आएंगे भी ज़रूर इस वक्त नमाज के अंदर, और गवर्नमेंट के भी हिसाब से हम सरकार है, मगर ये प्राइवेट नमाज, ये प्राइवेट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा व्यूज हमारे साथ आचर मुफ्ती भी हैं जो कि बड़े मशहूर शौकीन हैं, इनसे भी कुछ डिटेल्स देते हैं। आचर भाई इस नुमाइश के हवाले से बताइए किस तरह आपको लगी, और कराची के अंदर और इंटीरियर सिंध के अंदर क्या फ़र्क आपको नज़र आया? माशाल्लाह नमाइश बहुत अच्छा लगा हमको जी, ज़बरदस्त नमाइश है। क्या समझ से कौन समझाता है सिंधी में पूछ? अच्छा तां छा तो समझो केर खटंदो नुमाइश यो असा त अगे में कोन बुधाई नसी। हां बाकी मुकाबलो सख्त है, मुकाबलो सख्त। अच्छा ये बता रहे कि मुकाबला सख्त है, अभी से नहीं बता सकते, पेशेंट गोई करने में आचर भाई थोड़ा सा कतरा रहे हैं, लेकिन गुलाम हैदर भाई ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट गोई कर दी है, वजीर खान ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट गोई कर दी है। अब हमारे साथ गुलाबियों के किंग उस्मान बुगती भी हैं, इनसे भी पूछेंगे। उस्मान भाई क्या सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है, सही जा रही है, कैसे जा रही है? सर हमने तो अभी एक पार्टी का माल देखा है, ठीक है, मुश्ताक भाई का और दूसरा अमर भाई का, ठीक है, तीसरे बंदे का हमने माल नहीं देखा। तो आप क्या समझते हैं मुश्ताक भाई का माल जोर है, अमर भाई का जोर? इंशाल्लाह ताला मुश्ताक भाई विन करेगा। अच्छा विन करेगा। अच्छा इनमें कॉम्पीट किस तरह होगा, किस तरह डिसीजन होगा, कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, किस तरह होगा, यानी सिलेक्शन कैसे होगी? ये 10 बकरियाँ, ठीक है, और एक बकरा। अच्छा लाए कितनी हैं बकरियाँ, लोग कितनी बकरियाँ लेके आए? लाए तो ज़्यादा है, मुश्ताक भाई के तो मेरे समझ में 30 बकरियाँ होंगे। 30 बकरियाँ जी। अच्छा ला कितनी भी सकते हैं, और रस्सी पे खड़ा कर जब मुकाबला होगा तो 11 पे 11 का मुकाबला, 11 पे 11 होगा, 10 बकरियाँ 11वां सांड। अच्छा 10 बकरियाँ निकलेंगी, 11 सांड निकलेगा। उसके बाद जो अमीन होंगे वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या चीज़? अमीन हमारा कमेटी है, कमेटी ने अमीन तय किए, उस पे इतराज हम लोगों ने तो नहीं किया, अगला पार्टी भी अल्लाह करेगा। अच्छा आप क्या समझते हैं अमीनों की श्योरिटी के बारे में, यानी जो अमीन जो फैसला देंगे वो सही फैसला होगा या उस फैसले में कोई रद्द होगा? इंशाल्लाह ताला हक सच का फैसला देगा, हक सच का फैसला। अच्छा क्या चीज़ देख के अमीन निकालेंगे, जैसे आप फर्ज करें 10 बकरियाँ मैं लाया हूँ, 10 आप लाए हो, ये इनमें उनके पास कापी है, पोइट लिखे हुए हैं, ठीक है, जिस पोइट में एक बकरी को बड़ा धब्बा है वो एक पॉइंट में पीछे हो जाएगा, जो सफ़ेद है उसके मुकाबले में सफ़ेद जीत जाएगा, सफेद, और हाँ जिसका सींग पीछे डब्बा है और एक खड़े सींगों में बाकी बराबर में पॉइंट
तो खड़े सींग वाला जीत जाएगा। ये पॉइंट उनके लिखे हुए हैं, पॉइंट देख के वो फैसला करेंगे। अच्छा व्यूअर, जो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, उस्मान भाई ने आपकी बात क्लियर की है कि पॉइंट्स की इनके पास बुक्स होगी जिसमें वो देखेंगे, अगर किसी का स्पॉट है या धब्बा है तो उसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, जो पूरी वाइट है उसको ज़ाहिर तरजीह दी जाएगी। और सींगों के हवाले से आप क्या कह रहे थे? सींग जो मंजी ऊपर होगा, जिसकी मंजी ऊपर होगी और उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, और गली चेहरा कान, गली चेहरा काम जो बेसिक है वो भी देखने पड़ेंगे। राउंड नोज होना चाहिए, लंबे ईयर्स होने चाहिए, पट्टी वाले ईयर्स होने चाहिए, और ये चीज़ें काउंट होती हैं। अच्छा, हमारे साथ अब्दुल रहीम मुफ्ती भी हैं जो कि बड़े पुराने शौकीन हैं, उनसे भी कुछ डिटेल्स देते हैं। अब्दुल रहीम भाई, कैसी लगी आपको कराची की नुमाइश, क्या व्यूज़ हैं आपके? माशाल्लाह बहुत खबर है। कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, किस तरह की लगी, क्या एक्सपेक्ट करें, कौन जीत सकता है? भाई माल तो तीनों पार्टियों को अच्छा है, ठीक है। चौधरी का माल अभी नहीं आया है, नहीं देखा, बाकी हमारे जो है मुश्ताक भाई का माल लाजवाब है, ज़ाहिर है चौधरी साहब का माल भी लाजवाब ही होगा, मुकाबले में आ रहा है, बाकी अभी देखते हैं कि अमीन क्या फैसला देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं बताता चलूँ, ये इधर आपको बता रहे हैं कि अच्छा है माल, लेकिन मैं आपको बता, इनके पास भी जो माल खड़ा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग बांधी जाएँ तो अब्दुल रहीम भाई का फार्म ज़रूर विज़िट करें और उस्मान भाई का फार्म ज़रूर विज़िट करें। ये कराची में भी इनका फार्म है और बांदी में भी है, और अब्दुल रहीम भाई का बांदी में फार्म है, लेकिन दिखाते नहीं है, किसी को छुपा के रखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं। इधर दो पट्टे हैं, मैंने दिए अमर भाई के पास। अच्छा, इधर दिए आपने? अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब्दुल रहीम भाई को अपनी पट्टे दिखा दें जो इन्होंने दिए हैं। अब्दुल रहीम भाई काइंडली हमारे व्यूअर्स को इनकी पट्टे दिखाएं जो आपने इनको। ठीक है, नाजो पट, नाजबू, जोरट, जोरट नाम है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। एज वगैरह पूछा अब्दुल रहीम भाई, अब्दुल रहीम भाई इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन होगी 6 महीने की जी, वो है 11 महीने की। तो यहाँ का इंतजाम कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और एक पट चौधरी साहब के पास भी मेरी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, आपने उधर भी पट दिए जी? तो व्यूअर्स देख लें, ये छुपे हुए चेहरे होते हैं इस तरह के लोग, जैसे कोई किंग बनता है तो उसमें इन जैसे छुपे हुए लोगों का भी हाथ होता है। ये खुद फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन दो पट्टे इनको दिए, दो उनको दिए, एक उनको दिए, ऐसे 4-5 पट्टे अपने इन्होंने सेल किए। और इस कंपटीशन में आपके कितने पट्टे खड़ी हैं? तीन है। इस जो कंपटीशन में पट्टे खड़ी हैं, तीन पट्टे खड़ी, दो अब्दुल रहीम भाई की है, इधर अहमद जुनैद भाई के पास है, और एक चौधरी इमरान साहब के पास भी। बाकी मैं व्यूज को रिक्वेस्ट करूँगा, माल देख सकते हो हाँ भाई, एक एक करके इनको दिखाते जाएँ किस तरह की लाइफ लाइन होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि और लोग भी गुलाबी कोट शो देख सकें।
इतना ही। अस्सलाम वालेकुम अबीब भाई, ठीक ठाक हैं? तो क्या तासुरात हैं आपके गुलाबी गोट शो के हवाले से? अच्छा जा रहा है, तो यहाँ का इंतज़ाम वगैरह पसंद आया आपको? तो आपके हवाले से फिर कौन जीत रहा है उसका फिर रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कराता चाहूँ। ये हबीब कायम खानी है, जो कि मुकाबले जब गुलाबी के स्टार्ट हुए थे, पहले जो मुकाबले के चैंपियन थे या जो पूरे पाकिस्तान के चैंपियन बने थे, वो हबीब कायम खानी। ये है शख्सियत है सामने आपके, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले शौक स्टार्ट किया था और इन्होंने डिफीट दी थी मंगल खान भुक्ति को। तीन मुकाबले किए गए थे शुरू में, एक मंगल खान ने जीता था, एक हबीब खान ने जीता था, फिर उसके बाद जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो हबीब कायम खानी ने विन किया था और ये पूरी पाकिस्तान के चैम्पियन बने थे, एक्स चैम्पियन ही है। उसके बाद अभी ये मुकाबलों का सिलसिला जारी है, आप देख सकते हैं कराची में भी हो रहे हैं और इंटीरियर में भी हो रहे हैं, तो स्पिन के अंदर मुकाबले ही मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन जो पहले चैंपियन थे या जो एक्स चैंपियन जिसे आप कह सकते हैं, जिन्होंने गुलाबी में एक शोहरत हासिल की, वो है हबीब चैंपियन। अच्छा हबीब भाई, किस तरह की नुमाइश लग रही है कराची में, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? ये है 1-2-3 का है मुकाबला, ठीक है, तीन पार्टियों का मुकाबला, ठीक है, ठीक है, माल जिस पार्टी का आयरन है, ठीक है, सामने रस्से पे लगे हुए अमीन चूज किए गए हैं, ठीक है, अमीन किसका डिसाइड करेंगे कि किसका माल होगा, किसका माल होगा। अच्छा ये जो नुमाइश है, ये गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराई या प्राइवेटली आप लोग गुलाबी के शौकीनों ने ऑर्गेनाइज किया? नहीं, ये प्राइवेट। अच्छा, लेकिन सिंध हुकूमत का भी है तो सही, लेकिन लेकिन ये है टाउन है, लेकिन ये असल मुकाबला खर्चा जो है सारा प्राइवेट हुआ है, सपोर्ट इनको मिला है, लेकिन जो ये जो ऑर्गेनाइज कराया है ये गुलाबी के शौकीनों ने ही ऑर्गेनाइज कराया। इसके अलावा आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची से, पूरी आवाम आपकी देख रही है, क्या मैसेज देंगे? गुलाबी शो का बहुत अच्छा शो है, ठीक है, इसमें कोई मन लगा, इसमें सुनने का रसूल भी है। अच्छा जब आपने उरूज हासिल किया था गुलाबी में, एक वक्त था, एक टाइम था, आपने लोगों को एक गुलाबी का शौक क्रिएट कराया, तो उस वक्त आपका फीलिंग क्या थी और अब आपने थोड़ा सा शौक हल्का कर दिया है, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, शौक तो मेरा है, लेकिन अभी बस ये मुकाबलों की वजह से मैं बस हट गया हूँ, तो इसमें मुकाबला मैं विन कर चुका हूँ, दो पार्टियों से मैं विन किया हूँ, ठीक है, एक तो मेरा गुलाम जो दिल्ली से एक दफ़ा का मुकाबला था उनसे मैं विन किया था, बाकी मंगल खान से मैं 3 साल लगातार उनसे मैं विन किया हूँ, बस आगे बस ऐसी बात और भी मुकाबला होती है हमेशा, अच्छा आप क्या समझते हैं अहमद जुनेद भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं, चौधरी इमरान भाई हैं, इन तीनों में से कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड? एक रफ गैस दे दें कि कौन विन कर सकता है। ये तो फिर तो बाद में होगा ना, इसमें तो काफ़ी ऐसे हैं ना, बच्चों में मतलब हैं, इसमें कई हैं जिसमें पॉइंट देखे जाते हैं, ठीक है, क्या पॉइंट्स होंगे बेसिक जो अगर जिसके अच्छे होंगे वो विन करेगा? किताब के हिसाब से तो काफ़ी पॉइंट हैं, जैसे मतलब छपाने रूल्स में कभी चेंजेस आए, जिससे बता रहे हैं कि अगर इसका होता था वाइस आई है, कि मतलब जो है सरम अली राव है, अलग है, किसी ने उनकी वाइस मैंने सुनी थी वाइस के मुताबिक आपको बता रहा है। अच्छा इसमें जो मुकाबला है इसमें अमीन कौन कौन से के नाम बताए? एक तो रहमत भाई है, 11 करोड़ा है, ठीक है, रहमत भाई कराची के ही हैं, सदर हैं, ठीक है, दूसरा है मेरे ख्याल में हसन शाह है, ठीक है, मेरे ख्याल में अली भाई है, अली हाँ वो भी कराची। करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है, कि उम्मीद करेंगे आपके पास लाइव जो चीज़ें हैं वो शेयर करते जाएँ। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं चौधरी इमरान ताज भाई के माल का, वो आ जाता है तो वो भी आपको लाइव सेशन में दिखाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और जिनसे ये वीडियो मिस हो चुकी है और वो गुलाबी गोश्त का शौक देखना चाहते हैं तो वो नारे जोगोट फार्म यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, उस पर ये वीडियो आप लोग लाइव भी मिलेगी आपको देखने को, उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो नारेजो किंग्स के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी रिकमेंडेशन है वो आप लोग मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब देने की या आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा।
अंदर। बाकी नुमाइशों के हवाले से ये कराची में दूसरी नुमाइश हो रही है। 2020 में एक नुमाइश हुई थी जिसका चैंपियन जो है कराची किंग का जो टाइटल है वो चौधरी इमरान ताज भाई को मिला था, और अब ये फिर से कराची किंग का मुकाबला है सीज़न 2021 के हवाले से। अब देखना होगा कि चौधरी इमरान ताज भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं और अहमद जुनेद भाई, इन तीनों में से कौन विन करता है, कौन बनता है कराची का किंग, तो ये आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करेंगे। और अभी आपको गुलाबी की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे, उसके बाद चौधरी इमरान भाई के माल का वेट करेंगे ताकि हम बस इस तरह बना तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। इसकी फुल वीडियो आपको नारेजो गोल्ड फार्म यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।